फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करो एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, कि ये क्या है, इसे कैसे यूज़ करना है। तो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसे जैसे ही डाउनलोड करके ओपन करेंगे, कुछ इस तरह इसका इंटरफेस दिखेगा आपको। तो देख सकते हैं, मैं यहाँ कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहीं पर मुझे ले आ रहा है। इस तरह मैं कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे यहीं पर ले आ रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह एप्लीकेशन है, फाइल है, म्यूजिक है, फोटो है, वीडियो है। तो आपको जितना भी वीडियो सेंड करना है इस तरह टिक कर ले। तो मैं फिलहाल एक ही वीडियो को टिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे जो सेंड का बटन दिख रहा है, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस प्लस वाले पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद देख सकते हैं ये कुछ इस तरह सामने खुल के आया है। तो मैं बताता हूँ यहाँ से कि आपको सेंड कैसे करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, कि यहाँ से जो शेयर करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल तेजस एप्लीकेशन के ही जैसा है। तो मैं यहाँ से तेजस एप्लीकेशन के ही वीडियो को प्ले कर देता हूँ और उसी वीडियो के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि आपको दोनों डिवाइस को कनेक्ट कैसे करना है और शेयर कैसे करना है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स, क्योंकि शेयर करने का जो प्रोसेस है वो दोनों में एक ही है, सेम ही है। तो मैं उसी वीडियो को प्ले कर देता हूँ। उसके बाद ये मोबाइल अभी छोड़ देना है आपको। उसके बाद इस मोबाइल में रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए इस वाले पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ सेटअप हॉटस्पॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके लिए ऊपर से फ्रेंड हॉटस्पॉट को ऑन कर दे यहाँ से, तभी ये दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो देख सकते हैं आ गया है। उसके बाद यहाँ से इस वाले मोबाइल से क्यूआर कोड पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर एक बार अलाउ कर देना है। यहाँ से वाईफाई को आप इनेबल कर ले, तभी ये काम करेगा। तो मैं जल्दी से वाईफाई को इनेबल कर देता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये स्कैन करने का ऑप्शन दे दिया है। तो मैं इस वाले मोबाइल पे इस तरह लेके इसे क्यूआर कोड को स्कैन कर लूँगा तो ये दोनों मोबाइल आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कनेक्टिंग हो रहा है और ये कनेक्ट भी हो चुका है, और देख सकते हैं फाइल ट्रांसफ़र होना स्टार्ट भी हो चुका है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, 250 MB का फाइल कितना तेज़ी से ट्रांसफ़र हुई है तुरंत ही प्लग झपकते के साथ ही। बस आपको ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि जिस भी मोबाइल से सेंड कर रहे हैं उसका वाईफाई ऑन रहना चाहिए, जिस भी मोबाइल पर रिसीव कर रहे हैं उसका हॉटस्पॉट ऑन रहना चाहिए, तभी ये दोनों मोबाइल आपस में कनेक्ट होगा, नहीं तो नहीं कनेक्ट होगा। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि इस ऐप से रिलेटेड जो भी सारी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। फिर भी अभी भी आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।